जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा सवाल ऐसा है कि जैसे कि किसी किसी लड़के का देन मोहर 5 अशरफी और 5,000 रुपया है, तो मान ले को उसको देने का हैसियत नहीं है, तो उस सिलसिले में वो क्या कर सका है, कितना दे सकता है? जी मेहर की बात कर रहे हैं आप? महर जी जी जी, जी मेहर देन की, महर जैसे कि 5 अशरफी और की पाँच बात कर हजार रहे रुपया हैं। है जी, तो उसको ताकत नहीं है देने का, तो मतलब क्या क्या करें? देखिए, वो उसकी बीवी का हक है, और मुझे जी उसे आपके जवाब से, आपके सवाल पर आने से पहले एक बात आपके जुमले में आई, वो मुझे याद आ गई। हमारे यहाँ उसको महर देन बोलते हैं। देन मतलब होता है कर्ज। अरे जब जी शादी कर रहे हो भाई, ठीक है, जायज है। महरे मुअज्जल यानी उसको मुअज्जल करना कि बाद में फ्यूचर में दे दूंगा, ये जायज है, इसमें कोई शक नहीं है। मुअज्जल ये हमजा से, एक जो है ऐन से, मुअज्जल मतलब फौरन दे दो, मुअज्जल मतलब जी बाद में ताखिर करके ताकत के लिए। देना। जी। तो आम तौर से ऐसे लोगों के जहन में बैठ गया है कि महर जो है दैन की शक्ल में ही होना चाहिए। दैन मतलब कर्ज। तो भाई जी अगर आप जब शादी कर रहे हो, तो बाद में आने वाली जो खराबियां मुआशरे में फैली हुई हैं कि लोग नहीं देते हैं, टाल मटोल करते हैं, उससे बचने का सीधा तरीका यह है कि आप उसी वक्त दे दो ना, अपनी हैसियत के मुताबिक तय करो और उसी वक्त दे दो। जी अगर जी सर। आपने महर को मुअख्खर किया है कि मैं बाद में दूंगा, तो वो आपकी बीवी का हक है, और जो जी किसी का हक आपके ऊपर वाजिब है, उसमें ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास नहीं है। आपकी बीवी अगर आपके ऊपर रहम खाए, तरस खाए, माफ कर दे, तो उसकी मर्जी, वरना वो जी उसका हक है, आपको देना है। अगर आप नहीं दे रहे हैं, या मतलब इतने फकीर हो गए कि नहीं दे सकते, अब वहां पर आपकी बीवी को इख्तियार है, चाहे तो वो फस्क का मुतालबा कर सकती है कि भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि उसका वो हक है। तो मामला मुकम्मल तौर से बाल जो है गेंद उसके पाले में है, वो जो चाहे फैसला करे, वो उसका हक है, वो माफ नहीं होगा जब तक वो माफ नहीं करेगी। सेक्स तो आज के दौर में है कि लोगों ने सिस्टम बना रखा है, जैसे कि दैन मोहर लड़के का अपने हैसियत से रखता है, तो आज का सिस्टम है कि लड़के के भाई रखेंगे, लड़के के बाप रखेंगे, ये क्या हद तक सही है? तो भाई जब शादी हो रही है, तो दोनों फरीकैन बैठ के बात करें ना, बात जी करें। ऐसा थोड़ी कि जो लड़की के भाई ने बोल दिया, आप उसी को मान लें। आप बात करें, आप बताएं कि मेरी हैसियत उतनी नहीं है भाई, मैं जी उतना नहीं दे पाऊंगा। जी